वेल हेलो देयर, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर प्राइमल फियर इन रैग्नारॉक। तो कैसे हो गाइस तुम सभी लोग? होपफुली तुम सभी लोग बढ़िया हो गए। ओके गाइस, तो आज के एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अपने न्यू सब्सक्राइबर को शाउट आउट दे दिया जाए। तो अपने आज के न्यू सब्सक्राइबर हैं आर एस शॉर्ट्स, तो थैंक यू सो मच ब्रो फॉर सब्सक्राइबिंग एयर स्काई गेमिंग एंड अ ह्यूज शाउट आउट टू यू। उसके साथ अपने दो भाई और शाउट आउट मांग रहे थे, तो उनको भी शाउट आउट दे दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले है अपने गेमर स्मार्ट 09 एंड आई एम सातुरो, तो अ ह्यूज शाउट आउट टू बोथ ऑफ यू गाइस। ओके, तो जैसा कि तुम्हें याद होगा गाइस, अपन ने इसके लास्ट के एपिसोड में इस पीकन को बड़ा किए थे, ठीक है, एंड इसके साथ उसको डिफीट भी किए थे। एंड मैं तुम्हें बताऊं, वो वाले एपिसोड में मेरे को इसका अटैक्स वगैरह सब बढ़िया लगा था, कॉज अपन को उसमें कोई पावरफुल डाइनो नहीं मिला था, ठीक है, प्राइमल से हाई लेवल वाला। तो यार ये इतना घटिया, ये हराम का पिल्ला मेरा पूरा दिमाग ख़राब करके रख दिया गाइज। आ जाओ, मैं तुम्हें मेन प्रॉब्लम क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ यार, कसम से गाइज मेरा ना, अबे यार तुम्हें बताते हुए भी मेरे को इतना दुख हो रहा है ना गाइज, मैं क्या बताऊँ। आ जाओ मैं तुम्हें इनका ये दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, मेरे को ये बनाने के लिए ये सारे प्राइमल्स के ओरिजिन के ट्रॉफीज़ वगैरह चाहिए, और उसको क्राफ्ट करने के लिए ना मेरे को एक एक ये चाहिए, आर्टिफैक्ट्स चाहिए। और मैं आर्टिफैक्ट्स भी तुम्हें दिखा देता हूँ, मेरे पास ना अभी सिर्फ 4 आर्टिफैक्ट्स हैं गाइस, ठीक है। ये देखो 4 ही हैं, और ये आर्टिफैक्ट्स के लिए ना मैं ये देखो असेंडेंट वाला फिर क्राफ्ट कर रहा था, वो क्या बोलते हैं आर्टिफैक्टों को, तो उसको मैंने क्राफ्ट किया गाइज। अभी मेरे पास रिसोर्स नहीं है इसको बनाने के लिए, ठीक है, मैं तुम्हें पुल करके भी दिखा देता हूँ, मेरे पास बिल्कुल अभी रिसोर्स नहीं है गाइज। ये देखना, ये देखो नहीं बन रही है, मैंने एक बहुत मुश्किल से इसको बनाया, देन मैंने सोचा पीकन को इस पे ही ट्राई करता हूँ मैं ऐसे करके। तो मैंने उसको पिछले टाइम जहाँ पे स्पॉन किया था ना आर्टिफैक्टो द असेंडेंट को, वहीं पे स्पॉन करके पीकन से फाइट करना चालू कर दिया, और ये हराम का पिल्ला पीकन कद्दू भर का डैमेज देता है गाइज। अरे भाई क्या ही बताऊं यार मैं तुम्हें गाइज। ये देखो, मेरे को ना फिलहाल केओस ऑर्ब चाहिए, और लेकिन इसको बनाने के लिए ना देखो सेलेस्टियल केबल और मेरे को डिमोनिक केबल चाहिए, और उसके साथ अपन को एक सेलेस्टियल ऑर्ब भी चाहिए, उसका सोल चाहिए सेलेस्टियल वाला। तो केबल्स के लिए भी मैं तुम्हें सीन दिखा देता हूं, मैं बहुत मुश्किल से गाइज, ये देखो अंडे को भी ना सिर्फ 22 ही है मेरे पास, ठीक है, मैं फिर से वही हेल्थ कम करके उनको क्या बोलते हैं स्टीम बेरी खिला के जो पूप करते हैं ना, फूड लेवल 0 हो जाता है, तो उसमें एग भी दे देते हैं, वैसे करके निकालूँ यार, बहुत मुश्किल लगता है गाइज निकालना मेरे को लिटरली, मैं ना भाई मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है गाइज। गेम मैं चालू करता हूँ, मेरा सारा टाइम ना ये रिसोर्स को ही जमा करने में चला जाता है, मैं कसम से बताऊँ एपिसोड कितनी जल्दी बना पाऊँगा यार, मेरा तो माथा ख़राब होता है ना ऐसा गाइज, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। और ऊपर से ये साला पीकन कद्दू भर का डैमेज देता है, ऊपर से ये डाइनो डिस्पॉन भी कर देता है गाइज, वो असेंडेंट को भी डिस्पॉन किया इसने, और मेरे को एक ओरिजिन कैरेगुरु भी मिला था ना वो पेंगविन वाला, तो उसका ट्रॉफी के लिए भी मैं उसको मारने गया था यार, वो बहुत मुश्किल से आइस बायोम में स्पॉन होता है साला, उसको भी डिस्पॉन कर दिया कसम से बताओ, इसीलिए ना वो ओरिजिन विवरिन भी पिछले एपिसोड में डिस्पॉन हुआ था, तुम्हें याद ही होगा। अरे गाइज मैं अभी अब मेरे को असेंडेंट आर्टिफैक्ट्स को मारने के लिए बनाने के लिए ओमेगा ब्लड और एपिक्स ब्लड चाहिए अब। अरे गाइज मेरे को फिर से सारी चीज़ों को फार्म करने, अब मेरे को लग रहा है ना कुछ चीज़ों के लिए ना मैं क्या बोलते हैं GCM मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। हाँ तुम लोग बताओ गाइज, मैं ऐसे देखो जो नॉर्मल चीज़ मैं बना चुका हूँ ना उसको एटलीस्ट बनाने के लिए GCM यूज़ करना पड़ेगा यार, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा फार्मिंग करना पड़ता है। तुम लोग बताओ मैं यूज़ करूँ या ना करूँ, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके चलो गाइज, सेलेस्टियल सोल भी लेके आ चुका हूँ मैं, आ जाओ एक केओस ऑर्ब बना देते हैं। और हाँ ये मैं क्यों बना रहा हूँ वो तुम्हें बताना ही भूल गया था ना, ये यार ये पीकन मेरा पूरा दिमाग ख़राब कसम से गाइज, आर्टिफैक्टों को कौन डिस्पॉन करता है बे। अरे यार एक तो ओरिजिन कैरी करूँ यार उसको, मैं क्या बताऊँ गाइज, ट्रॉफी के लिए ही सब दिक्कत होता है। चलो कोई बात नहीं, खैर रोना छोड़ते हैं, GCM का मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। चलो ये मैंने बना दिया एक सेलेस्टियल, अब डिमोनिक केबल बना देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिमोनिक केबल। और ना गाइज मैं लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ, ये पीकन मेरे को लास्ट एपिसोड में उसका टैग देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अभी मेरे को उसका शकल भी देखने का मन नहीं करता साला पीकन का इसकी। अबे यार इतना घटिया कैसे हो सकता है, अबे क्रिएटर साला असेंडेंट को मार नहीं पाया गाइज, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, आधा हेल्थ भी नहीं कम कर पाया साला हराम का पिल्ला। बाकी खैर छोड़ो यार, चलो अपना केओस ऑर्ब बन गया। और हाँ ये केओस ऑर्ब मैं तुम्हें बताने ही भूल जाता हूँ ना, तो ये मैं इसलिए बनाया गाइज कॉज अपने वर्ल्ड में फाइनली एक हाई लेवल का केओस गार्डियन स्पॉन हो चुका है, जिसे आज अपन टेम करने के लिए जाएंगे, क्योंकि तुम्हें याद होगा अपना केओस पाइनोट ठिल गया था लास्ट के एपिसोड में। बाकी चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है गाइज, तो हाँ मैं तुम्हें एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, तो अपने चैनल पर आर्क मेनिया आज से स्टार्ट हो रहा है गाइज, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि डेली आर्क मोबाइल के गेम प्ले जाएँ एटलीस्ट।
तो यार आज शाम को 6 बजे तुम्हें आर्क मोबाइल का भी गेम प्ले दिख जाएगा, जो तुम कमेंट कर रहे थे ना वो तुम्हें मिल जाएगा। तो यार आर्क के ऑडियंस इतने टाइम से चैनल पे बनी हुई है, तो यार न्यू आर्क आते आते यार पुराना आर्क को तो थोड़ा एक मंथ तक खेल ही सकता हूँ। तो यार तुम लोग बताना गाइस। हाँ उसकी रिगार्डिंग भी मैंने कुछ सोचा है, तो वो मैं तुम्हें वही वाले गेम प्ले में बताऊंगा, तो तुम लोग उसमें अच्छे से कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी अभी इस पे फोकस करते हैं यार, वो केओस वाला यहीं पे था गाइस, मैं यही रिसोर्स फार्म करने के लिए आया था ना यहाँ पे ओमेगा वगैरह को मारने के लिए, तब मेरे को वो दिखा था। लेकिन प्लीज़ यार डिस्पॉन मत करना, वैसे होगा नहीं, मैंने तुरंत। हाँ ये देखो ये रहा ना 170 लेवल का केओस विवरिन गाइस, जो कि अपना गार्डियन भी होता है। तो आ जाओ इसको नॉक करते हैं अपन। ओके वो बैठ भी गया, अच्छे से एम ले सकते हैं, मेरे पास ज्यादा एरो भी नहीं है इसका, तो कोई बात नहीं गाइस एरो बना लेंगे, वैसे ब्लड पड़े हुए मेरे पास ओरिजिन के। लेट्स सी उसको हिट लगता है कि नहीं लगता। ओ लग गया, नाइस गाइस फाइनली। चलो इसको हिट लग गया एंड ये थोड़ी देर में नॉक हो जाएगा, तो अपन इससे दूर रहते हैं, बिकॉज तुम्हें पता होगा इससे ब्लैक वाला इफेक्ट आता है, तो उससे अपन को बचना पड़ेगा। उससे डैमेज पड़ता है ना शायद से, हाँ डैमेज तो पड़ता है, तो उससे ही बचना पड़ेगा। बाकी ऐसा ये कुछ खास उखाड़ तो नहीं पाएगा गाइज अपन को एयर में, अपन का एयर में कुछ डैमेज नहीं दे पाएगा ये। या एयर वाला डैमेज है नहीं इसके पास, नल्ला है एकदम से, ताकि पीछे ही आ गया रे साला। चलो उसको टॉर्पर अब फ्ली करेगा गाइज आई थिंक से, और डाउन भी होने वाला है। ओके हो गया डाउन, कहाँ पे हुआ कहाँ पे हुआ, जाओ देखते हैं। अरे यार कोई दूसरे डाइनो की जगह मत होना यार, नहीं तो डैमेज देगा तो साला टेमिंग इफेक्ट। ओ ये रहा ये रहा। चलो नाइस डाउन हो गया गाइस, फूड लेवल भी 0 है इसका। आ जाओ जस्ट अपन को एक केओस और भी खिलाना है, उसके बाद तो ये टेम हो ही गया। ये रहा अपना वेवरिन एंड आ जाओ फटाक से खिलाते हैं, इसका इन्वेंट्री या एक्सेस हो जाओ। ओके नाइस ये रहा अपना केओस और ये ले नाइस। चलो गाइस केओस वेवरिन भी अपन का टेम हो गया, ये है अपना केओस गार्डियन फाइनली आ गया। तो अपने पास दोनों गार्डियंस हो चुके हैं, स्पिरिट वाला भी एंड केओस वाला भी। तो कमेंट करके बताना कि तुम्हें कौन सा वाला गार्डियन सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो आ जाओ अभी इसको ट्राई वराय भी करते हैं अपन एंड उड़ा भी के देखते हैं। हालांकि गाइज मुझे इसको फुल लेवल देना था, लेकिन आई डोंट थिंक कि मेरे पास अभी मैक्स पोशन होंगे, मेरे पास वो ह्यूज वाले पता नहीं यार क्या बोलते हैं उसको, मीडियम एंड हाई वाला, हाँ हाई वाला पोशन होगा, तो उसी को दे देते हैं, जितना लेवल भी आएगा चल जाएगा, अभी क्या ही कर सकते हैं। बाकी ये देखो ये है इसका अटैक एक्स वाला, एंड राइट क्लिक से ये फायर करता है, सी से ये पंखों से अपना हवा छोड़ता है, पता नहीं उसका तो यूज़ ही मेरे को नहीं पता चला यार। बाकी चलो आ जाओ इसको, जितना भी मेरे पास ये लार्ज वाला पोशन वगैरह मीडियम है ना उसको दे देते हैं। एंड 82 आ गया, नाइस बुरा नहीं है, 88 आता है मैक्स, तो या 6 लेवल बाद में अपन कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हेल्थ इसका ज़्यादा नहीं जा रहा है यार गाइज, अपने विवरीन का तो वो स्पिरिट वाले का 30 मिलियन गया था ना, इसका 20 ही जा रहा है, तो स्टेमिना भी देना पड़ेगा। विवरीन है ये ऑब्वियसली, इसका स्टेमिना बहुत ख़त्म रहता है, तो चलो इसको ना मैं 2000 तक कर देता हूँ। नाइस चलो 21000 से पता नहीं यार वो कितना जीरो साला, इतना छोटा छोटा मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा, मैं काउंट भी नहीं कर रहा, छोड़ जाने। तो बाकी को मैं दे देता हूँ डैमेज पर, एंड इसका स्पीड पर देने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी अगर लेवल तो आएगा यार, 6 लेवल बचा है तो एक दो स्पीड में भी दे देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलो इसका हेल्थ बढ़ाते हैं। हाँ तो गाइज मैं अभी अपने चैनल का आर्क मेनिया के बारे में भी बता देता हूँ। तो देखो मैं आर्क मोबाइल के गेम प्लेस डेली अपलोड करूँगा शाम को 6 बजे, ठीक है। एंड तुम लोग बोलोगे कि भैया बाकी गेम प्ले इसका क्या होगा ऐसे करके, तो देखो उसका भी गेम प्ले आएगा, मेरे को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो बाकी गेम प्लेज ना ऐसे ही 12 बजे आएंगे, जो पीसी का हो गया आर्क पीसी पैल वर्ल्ड, और एमिकिन भी देखूंगा अगर मन करता है तो बना दूंगा उसको भी, लेकिन वैसे यार उसमें इवॉल्व के अलावा तो मेरे को कुछ सूझता नहीं, लेकिन बाद में देख लेंगे, ठीक है। एंड यप जो भी न्यू गेम्स होंगे ना वो 12 बजे आएंगे दोपहर को, एंड अपने आर्क मोबाइल कंटिन्यूसली जब तक न्यू आर्क नहीं आ जाता ना शाम को 6 बजे आएगा। बाकी उसमें और डिटेल्स होगा ना तो उसको देख लेना, ठीक है। बाकी आ जाओ, ये यार तो इसका ब्लैक ब्लैक ही मार रहा है यार गाइज, मेरे को डैमेज ये देख लो फिर से हार्वेस्ट साला। स्पाइनों के साथ भी ऐसे ही होता था गाइज, तुम्हें याद है। ओके एंड हाँ ये आर्क मेनिया मैं तभी कंटिन्यू करूँगा अगर तुम्हारा ओपी सपोर्ट रहा तो। यप ओह नाइस, वैसे 3-4 मिलियन का तो अपना स्पिरिट वाला भी दे देता है, तो यप ऐसा कुछ खास तो नहीं है गाइज, मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर ही हैं मुझे। ओ 4 मिलियन का दिया इस बारी, ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है गाइज, आई थिंक ये सही है। बाकी चलो आ जाओ मैं बॉस ढूंढ के देखता हूँ, अगर कोई बॉस मिल गया ना तो उस पर भी टेस्ट कर लेंगे अपन, तो अपन को ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। और ये दे रहा है 1 मिलियन का, तो यप ये भी 1 मिलियन का तो रैपिडली देगा गाइज, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है यार ये भी चला लेंगे, अब क्या ही करें। ओके चलो तो मैं बॉस ढूंढता हूँ, अगर देखते हैं अपन को ओरिजिन मिलता है कि नहीं मिलता, तब तक मैं तुम्हें आर्क मेनिया का बता देता हूँ। तो हाँ अगर तुम लोग उसमें सपोर्ट करोगे, सपोर्ट कैसे करना है, वीडियो को तुम्हें देखना है, लाइक करना है एंड शेयर कर सकते हो, अगर जो इस चैनल के बारे में नहीं जानते उनको, कॉज गाइज ये ईयर के एंड होते तक अपन को 7K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने, एंड एज अ आर्क फैन आर्क प्लेयर तुम लोगों को ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए,
बिकॉज वन लास्ट टाइम आर्क सीरीज स्टार्ट होने वाला है, आर्क मोबाइल का सीरीज इस चैनल पर। तो जितने भी आर्क फैंस हैं ना जिनको आर्क मोबाइल देखना पसंद है उनको तुम लोग बुला सकते हो गाइज, अगर उनको चैनल पसंद आता है डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़, ठीक है। अगर तुम आर्क फैन हो तो तुम्हें ज़रूर से करना चाहिए। बस ये मंथ के एंड होते 7 के सब्सक्राइबर तक सब्सक्राइब करते जाना जो भी न्यू आ गए हो और जिनको आर्क पसंद है, बाकी उसके बाद अगर तुम अनसब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ बाकी यहाँ पे मेंटी हो रहे हैं और आई डोंट थिंक यार कि ये ज़्यादा टिक पाएगा, इसका हेल्थ देखो 8 लाख का है, बस वन शॉट जाएगा यार ये तो। 4 मिलियन का ऐसी बाइट ही अटैक दे देते हैं बाकी, ये देखो मैंने बोला ही था इसको भी 4 ही मिलियन का पड़ा, ठीक है गाइस अभी क्या ही करें। यहाँ पे प्राइमल है, आ जाओ इस पर ट्राई करते हैं। 4 ये थोड़ा सा संभाल, अबे यार ये भी वन शॉट हो गया गाइस, लेकिन ये देख वो ये रैपिड वाला 4 मिलियन का दिखाया गाइस, 4 मिलियन 8 लाख, ठीक है मतलब देखते हैं। वैसे यार कोई बॉस चाहिए, बॉस तो मिलेगा नहीं मुझे लग रहा है, आ जाओ। वो उस साइड पे होता है गाइस बॉस, वो जो अपना पुराना बेस जहाँ पे था ना, जहाँ को मैंने होम टेलीपोर्टर दिया वहाँ पे, ये साला ड्रैगन है देख लो यहाँ पे। ओके इंडोमिनस, इनको रिड्यूस डैमेज पड़ता है ना अल्फा वाले सारे। अरे यार ये बॉस क्यों नहीं स्पॉन होता यार, बॉस इंडोमिनस वाला डैमेज भी नहीं पड़ा। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, इसको मार के तो जाएंगे, डोंट वरी। ये ले बूम, अबे यार इसका अटैक ही नहीं चला इस बारी। ओके कोई बात नहीं गाइस, पहले ना इसको लेवल दे देते हैं एंड उसके बाद अपन उसको मारने के लिए चलेंगे, बिकॉज ये साला ग्रीन ग्रीन लिखा हुआ आता है ना ऊपर में तो दिमाग खराब होता है। ओके चलो कोई बात नहीं। अबे यार ये साला ड्रैगन फिर से बॉम्ब फोड़ने लग गया यार गाइस, अभी उसका पूरा साउंड गूंजते रह गया ये देख रहे हो। हाँ उसका कुछ मार के आते हैं यार, तो क्या अब तो पूरे गेम प्ले में उसका साउंड ही गूंजेगा, और ये गेम प्ले छोटा हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। देखो यार मेरे को शाम को आर्क मोबाइल का भी गेम प्ले बनाना है ना, तो यार इसको अपन जल्दी रैप अप करेंगे। मेरे को मेन दिखाना था केओस वेवरिन का ही, तो वो तो मैंने तुम्हें कैप्चर करके दिखा दिया। और कहाँ है ड्रैगन बोरा साला, अभी हल्ला करते रहते हैं गाइस, अभी बंद कर दिया लेकिन फिर मारेगा ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, रुक जाओ इसको पेलते हैं साले को। ड्रैगन वर्सेस ड्रैगन गाइस, तुम्हें कौन सा ड्रैगन ज़्यादा पसंद है? मेरे को तो वेवरिन से ज़्यादा पसंद आते हैं यार, पता नहीं ये मेरे को ना रियल ड्रैगन की तरह लगते हैं, वो थोड़ा सा मतलब जो मिथिकल क्रीचर्स होते हैं ना वैसा लगता है वो वाला मेरे को, या हाँ मिथ्स में जैसे होते हैं तो वही वाला ड्रैगन लगता है मेरे को। ये रियल लगता है, ये ऐसा लगता है कि इसका ना स्केलेटन मतलब रियल में एग्जिस्ट करता होगा ऐसे करके, हालांकि मैंने देखा नहीं लेकिन खैर छोड़ो गाइस, वो तो साला दूर की बात है, दूसरी चीज़ बात है, मैं इधर का बात उधर उधर करते रहता हूँ, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। चलो गाइस आ जाओ मैं फिर से ओरिजिन कैरेकुरू देख लेता हूँ, शायद से स्पॉन हो गया हो। देखो मैंने ना वाइल्ड डाइनो स्पॉन को कम किया है, शायद से 2 पे कर दिया, कॉज ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भसड़ हो रहा था ना तो लैग भी करता था, अभी स्मूथ चलता है तो अब फिलहाल तो नहीं दिख रहा। प्राइमल है यहाँ पे, ये भी वन शॉट जाएगा यार गाइस, ये देख लो ये देख चला गया ये साला। ये दिक्कत है मेरे को, प्राइमल ओरिजिन चाहिए। नो डाउट गाइस ये स्पिरिट और केओस वाले ना वो पीगन से ज़्यादा बेहतर है। ये देखो यहीं पे वो कैरेक्टर स्पॉन हुआ था यार, यहीं पे मैंने उसको मारा लेकिन साला वो डी स्पॉन कर दिया यार गाइस पीगन, और यहाँ पे डायर बियर स्पॉन होते लेकिन दिखाई ही नहीं दे रहा मेरे को। एक काम करते हैं वो ना स्पाइनों के ना ट्रेंच में चल के देखते हैं गाइस, और ये तो नहीं है मेरे को लगा सेलेस्टियल वाले, और भी चाहिए आई मीन उसका सोल चाहिए, सेलेस्टियल सोल ख़त्म हो गया मेरे पास, बताओ इतने ज़्यादा सेलेस्टियल को मारा मैंने एंड वो क्राफ्ट करने में ही सारा सोल बर्बाद हो गया, बताओ गाइस मेरे को फिर कलेक्ट करना पड़ेगा भाई, दिक्कत है। चलो देखते हैं ये स्पाइनों के ट्रेंच में अपन को शायद से कोई ओरिजिन स्पाइनो मिल जाए तो उसका भी ट्रॉफी ले लेंगे यार, काम आएगा वो भी ठीक है क्राफ्ट करने में। एंड गामा भी बढ़ा दिया मैंने, कॉज मेरे को लगा कि अंधेरा हो रहा ज़्यादा गेम प्ले में, तो ये बढ़ा दिया बाकी। ओके यहाँ पे है कौन सा है ये, अरे यार प्राइमल है गाइस, ये भी साला 20 ही मिलियन क्यों भेज, जब मेरे को ज़रूरत होता है गाइस मैं लिटरली ऐसे ट्राई करने के लिए आता हूँ ना, मेरे को कुछ नहीं मिलता भाई, मेरे को हर एक चीज़ को खुद से स्पॉन करना पड़ता है गाइस, और उसके लिए आर्टिफैक्ट चाहिए बताओ, इसीलिए मैं सोच रहा था GCM यूज़ करूँ थोड़ी चीज़ों के लिए। देखो जिन बॉस को डिफीट नहीं किया ना उनके लिए GCM यूज़ नहीं करूँगा, उनको तो लेजिटली क्राफ्ट करूँगा, लेकिन जिन बॉस को ना ज़्यादा लगता है यार उसका सोल वगैरह बार बार लगता है ना, तो उसको अपन कर सकते हैं, जैसे कि ये ओरिजिन वाले डायनोस हो गए ठीक है, तो उनके लिए मैं यूज़ करूँगा, बिकॉज आर्टिफैक्ट कौन कलेक्ट करते बैठेगा बताऊँ ठीक है। बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, मिल तो नहीं रहा मेरे को, और यही है साला प्राइमल ही वाला है, तो ठीक है गाइस आज का गेम प्ले शायद से छोटा हो गया तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, देख लेना ठीक है। बाकी चलो आई थिंक आज के लिए तो फिर बस इतना ही।
आई होप ये वाला गेम प्ले तुम सभी को पसंद आया हो। पसंद आया होगा तो गेम प्ले को एज ऑलवेज लाइक करना। मैक श्योर न्यू आएगा फिर चैनल पर तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ही है अगर तुम आर्क के फैन हो तो, ठीक है। और आज से आर्क मेनिया स्टार्ट हो रहा है तो या मैंने बताया और आज शाम को आर्क का गेम प्ले आएगा तो उसमें और पता चल जाएगा। बाकी डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना गाइज, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हो। जब मेरे को टाइम मिलता है मैं आ जाता हूँ ऑनलाइन। बाकी चलो अपन मिलते हैं गाइज नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।